साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 9 के जो उदाहरण 4 और 5 है उनको हल करेंगे, और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। उदाहरण 4 है, भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी हमें क्या दिया है, हमें एक भवन दिया है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, भवन हो गया, ठीक है, और नीचे हमारी क्या हो गई, भूमि हो गई। तो इस भूमि पर मान लीजिए एक बिंदु है जिसको हमें क्या नाम देना है, पी नाम देना है। तो इस बिंदु से भवन का जो शिखर है, भवन का शिखर कौन सा होगा, मान लीजिए ये भवन का शिखर है ना, इस बिंदु तक जो यहाँ पर कोण बन रहा है जिसे हम उन्नयन कोण कहेंगे, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यानी अगर इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाऊं तो ये जो कोण बनेगा कहाँ से, भूमि से, कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। यानी ये भवन का शिखर हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, एक ध्वज हो गया, ठीक है, ये हमने लहराया यहाँ पर। और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी अगर पी को मैं यहाँ पर भवन के शिखर से देखता हूँ, है ना, यहाँ पी से अगर मैं इस शिखर को देखता हूँ तो 30 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन अगर मैं इस ध्वज को देखता हूँ किस बिंदु से, पी बिंदु से, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये और ये आपके भूमि, यानी इतना जो कोण बन रहा है ये आपके कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। बात समझ में आई, हमें दो कोण दिए हैं, ठीक है, और दो त्रिभुज बन गए हैं यहाँ पर, एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज बन गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो ये आपका जो ध्वज दंड है इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, और इस पी बिंदु से जो ये भवन है इसके बीच की दूरी, ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। एक काम करते हैं, इसको पहले हम नाम दे देते हैं, जैसे ये हमारा पी हो गया, ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्यू नाम दे देते हैं, और यहाँ पर ये जो ध्वज का पॉइंट है इसको आर नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम मान लीजिए एम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्यू एम की जो दूरी है, यानी भवन की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है, वो कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं भवन हमेशा 90 डिग्री के कोण पर खड़ा रहता है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या बन गई, कर्ण बन गई, यानी ये हमारा कर्ण बन जाएगा। नीचे वाली भुजा है ना क्या रहेगी, जैसे ये मान लीजिए हम कोण 30 ले रहे हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा हमारा क्या रहेगी, लंब रहेगी, और नीचे वाली भुजा हमारे क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी, ठीक है। हमें क्योंकि ये ध्वज की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है, तो एक काम करते हैं हम इसे एक्स मान लेते हैं, इस लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम आधार ज्ञात करेंगे, और आधार ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, पी क्यू एम, छोटा वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो पहले मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, छोटा वाला त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज पी क्यू एम में। अब देखो इस त्रिभुज में हम क्या ले सकते हैं, जैसे लाल बट्टा कक्का है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसके साथ हम क्या ले रहे हैं, 10 मीटर की ऊंचाई, यानी कि लंब ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लंब और आधार ले रहे हैं, तो लंब और आधार हमें किस में मिलेगा, टेन थीटा में मिलेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि भाई टेन थीटा जो है वो क्या होता है, वो होता है लंब बटा आधार, और थीटा हमें कितना लेना है, 30 डिग्री, क्योंकि हमें अभी छोटा वाला त्रिभुज लेना है ना, तो थीटा हमारा 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना हो गया, 10, और आधार हमारा क्या होगा, पी क्यू, ये जो पी क्यू है वो हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 बराबर यहाँ हो गया 10/ पी क्यू। अब पी क्यू को हम इधर भेजेंगे और रूट तीन को इधर भेजेंगे, तो पी क्यू का 1 से गुणा होगा और ये बन जाएगा पी क्यू, और 10 का रूट तीन से गुणा होगा तो 10/√3, ठीक है। अब क्योंकि ये मीटर में है तो यहाँ भी हमारा उत्तर किस में आ जाएगा, मीटर में। एक काम और है, देखो रूट तीन का मान हमें दिया हुआ है, तो हम रूट तीन का मान लगा देते हैं, तो पी क्यू हमें कितना मिलता है, देखो पी क्यू बराबर 10 गुणा 1.7
7 3 2, ठीक है, यानी कि रूट तीन का मान हमने लगा दिया 1.732। अब जब भी हम 10 का गुणा करेंगे तो देखो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो, तो ये जो पॉइंट है वो एक कदम इस तरफ खिसक जाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, PQ बराबर 17.32 मीटर। तो इस प्रकार से हमें आधार मिल गया। अब हमें इसे ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ध्वज की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, है ना। और बड़े वाले त्रिभुज में जो हमारा लंब है वो अब क्या बन गया, आर क्यू बन गया, है ना। और इस पूरे जो यहाँ पर हमने लंब लिया है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ एम क्यू की लंबाई तो हो गई 10 और आर एम की लंबाई हमने क्या मान ली, एक्स। तो इस पूरे की लंबाई हमें क्या मिल जाएगी, 10 प्लस x, ठीक है, मीटर। चलो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, और इसमें भी देखो ये हमारा लंब हो गया, और अब हमने आधार ज्ञात कर लिया है तो हमें आधार भी लेना है, यानी इसमें भी हमें टेन थीटा ही लेना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, थीटा हमारा क्या होगा, अब बड़ा वाला कौन लेना हमें, 45 डिग्री, है ना। तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना हो गया, 10 प्लस x, है ना, 10 प्लस x बट्टा आधार हमारा कितना हो गया, तो आधार हमारा हो गया 17.32, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो टेन 45 की जगह एक आ गया, और इधर हमारा है 10 प्लस x बट्टा 17.32। अब 17.32 यहाँ भाग में है, उधर किस में जाएगा, गुणे में, तो 17.32 का एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17.32 बराबर इधर हमारा क्या है, 10 प्लस x। अब हमें x ज्ञात करना है ना, यानी जो ध्वज की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है, तो 10 को हम उधर भेजेंगे, इधर प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ है 17.32, उधर गया माइनस का 10 बराबर यहाँ क्या आ गया, x। अब देखो 17 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, यानी 7.32 हमारा ध्वज की लंबाई हो जाएगी, यानी x हमें कितना मिल जाएगा, 7.32 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, ध्वज की लंबाई हो जाएगी। आप नीचे लिख सकते हो ध्वज की लंबाई बराबर 7.32 मीटर। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 4 करना है। उदाहरण 5 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी हमें एक मीनार दी है, मान लीजिए ये मीनार है। अब मीनार के पीछे अगर सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य की किरणें इस तरफ पड़ेगी तो इस मीनार की जो छाया है वो किस तरफ होगी, इस तरफ आएगी, ठीक है। अब ये हमारी नीचे क्या आ गई, छाया आ गई। अब ये कह रहा है कि ये जो छाया है वो 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है। कब हो जाती है, जब इसका 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी कि मान लीजिए पहले यहाँ पर यहाँ तक थी छाया, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, उस स्थिति में उन्नयन कोण कितना हुआ, और फिर ये यहाँ से छाया बढ़ गई उस स्थिति में उन्नयन कोण कितना हुआ। तो स्पष्ट है कि जब हम इस कोण को देखेंगे तो ये 30 डिग्री का होगा और ये कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। यानी हमारी छाया की लंबाई बड़ी है और यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि भाई ये कोण बड़ा है तो 60 होगा और ये कोण छोटा है तो कितना होगा, 30 होगा, है ना। और ये क्या कह रहा है कि मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी पहले 60 था, फिर कितना हो गया, 30, तो ये कितनी मीटर बड़ी है, 40 मीटर लंबी हुई है छाया हमारी, 40 मीटर बड़ी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी छाया की लंबाई कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न आगे कह रहा है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और DB छाया की लंबाई है। यानी टोटल हमारी जो छाया है उसे हमें DB मानना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको D ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम B ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो पॉइंट हमारा है इसे हम A ले लेते हैं,
ठीक है, ए बी और डी, और ये जो पॉइंट है इसे हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज हमारा बन गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमारा बन गया ए बी डी, यानी छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कुल मिला के हमें इस ए बी का जो मान है वो ज्ञात करना है। अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो हम इसका उत्तर आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, अगर आपको प्रश्न जो मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और जल्दी से दोस्तों को शेयर करते रहना है। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्योंकि हमें दो त्रिभुज मिले हैं तो पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, और फिर हमें इस ए बी का मान दोनों त्रिभुजों की सहायता से ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा हमारी कर्ण है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब है और नीचे वाली भुजा हमारी क्या है, आधार। हमें आधार और लंब लेना है, इसका मतलब हमें कौन सा कोण लेना है, लाल बटा कक्का। देखो लंब और आधार लेना है यानी टेन थीटा लेना है ना, तो हम टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा हमें कितना लेना है, 60 डिग्री, क्योंकि हम छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब, देखो लंब हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया, यहाँ आ जाएगा ए बी, बट्टे में आधार हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, तो यहाँ आ जाएगा एक्स। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, कितना होता है, √3। तो टेन 60 का मान लगा देंगे √3 बराबर ए बी और बट्टे में एक्स। अब एक्स इधर जाएगा तो ये भाग में है, इधर गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 × x, यानी ए बी का मान, ए बी का मान हमें क्या मिल जाएगा, √3 × x। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी और डी में, इसमें भी हमें क्या लेना है, लंब लेना है और आधार लेना है। अब देखो आधार जो है वो पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो 40, और ये हमने x मान लिया, तो आधार हमारा हो गया 40 + x, है ना। तो सूत्र लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा हमें कितना लेना है अब, 30 डिग्री, लंब क्या है, लंब हमारा ए बी है, ठीक है, और बट्टे में आधार हमारा क्या हो गया, 40 + x, तो यहाँ आ जाएगा 40 + x। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर टेन 30 का मान आ जाएगा 1/√3 और बराबर में ए बी। देखो ए बी का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं, ए बी का मान कितना है, √3 × x, तो यहाँ आ जाएगा √3 × x और नीचे आ जाएगा 40 + x। अब 40 + x यहाँ भाग में है, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 के साथ गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 + x बराबर में, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और x, √3 का √3 से गुणा 3 होगा और साथ में क्या मिलेगा, x, है ना। अब क्योंकि हमें x ज्ञात करना है तो हम एक काम करते हैं, x को उधर भेज लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 40 यहीं रहेगा, यहाँ 3x पहले से है, ये उधर गया, माइनस का x हो गया, यहाँ है 40 बराबर में 3x में से 1x गया, कितना एक्स बचा, 2x। अब क्योंकि हमें एक्स ज्ञात करना है तो 2 को उधर भेजेंगे, यहाँ 2 गुणे में उधर भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया 40/2 बराबर एक्स, 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20, है ना, यानी हमें एक्स बराबर कितना मिल गया, 20, और ये हो जाएगा मीटर, 20 मीटर। अब देखो क्योंकि हमें यहाँ एक्स का मान मिला है, ठीक है, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, तो वापस समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो हमें मीनार की लंबाई मिल जाएगी। तो यहां रखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो देखो ए बी बराबर √3 × x, हमने क्या निकाला, 20, तो √3 का हम किससे गुणा कर लेंगे, 20 से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर 20√3 मीटर,
और ये हमारी किसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये हमारी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 5 करना है, और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।